अभी 5 मिनट अभी हुआ है, उसको देख सकते हैं पानी फूट गया है और ये होना स्टार्ट हो गया है, हो चुका है लगभग थोड़ी से 2-3 मिनट तक। और इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके साफ करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। कल है करवा चौथ, तो एडवांस में ही आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। और आज तो हमारी तैयारी हुई कल बारिश की वजह से दोस्तों, सर्दी जुकाम हो गई है, बाप रे तबीयत खराब है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, कुछ कुछ दिखाते रहते हैं क्योंकि बारिश की वजह से ब्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं पड़ रहा है। बने रहिए चैनल पे दोस्तों। अब मैं आ गई किचन में और किचन में चले कुछ नया करने, कुछ नहीं नया नहीं, ये है मकई। इसको मैंने कल छुड़ा लिया, छुड़ाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि छुड़ाने का तरीका सबको पता है। और इसको मैं चल रही हूँ भूनने तेल में, अगले बार मैं भूनी तो आप लोगों को नहीं दिखाई, आज मैं इसका रेसिपी दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, एक बार भून के आप लोग भी खा के देखिए, टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसी में बने रहिए, रेसिपी दिखाते हैं। और ये एकदम ताज़ा है, तो चलिए दोस्तों बने रहिए, दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कढ़ाई जला ली, कढ़ाई रख दी और फ्लेम को चालू कर दिया। इसमें मैं मिर्चा डालूंगी, मिर्चे से तड़का दूंगी, थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी। पकी रहा मेरा मकई, तो बने रहिए दोस्तों, दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाला हो जाएगा तो नहीं मज़ा आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चाय खोल रहा है ताजे मकई के साथ, गर्मा गर्म सुबह सुबह का नाश्ता, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आज खाने में। और आप लोग बना के देखिए दोस्तों। और ये इसमें मैंने जीरा डाल दिया, अभी दोस्तों ज़्यादा गर्म नहीं था क्योंकि पहले ही डाल दी, कोई बात नहीं हो जाएगा। इसमें मैं मिर्चा डाल दिया, इसको अच्छे से बोल देने देते हैं। तो चाय भी हो चुका है, पूरा होना है दोस्तों। और यहाँ पे ये छन 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 कर रहा है, मिर्चा हल्का हल्का लाल हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसको खाना भी इसलिए मैं खड़ा खड़ा चाहिए। अब मैं इसमें मकई को डाल दूँ अच्छे से, इसको पक्का मसाला भी डाल दूँ दोस्तों, बने रही मेरा नमक हो गया। इसको मैं थोड़ा ढक देती हूँ कैसे से हो जाए, और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, मान लीजिए हल्का फुल्का चला जाता है, इसमें उबाल आएगा, जब उबाल आएगा तो अच्छे से पक जाएगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसे कटोरी से डाली, एक छोटा सा कटोरी में अच्छे से हो जाएगा क्योंकि थोड़ा हो चुका है, मतलब कहते गाँव में लदा जाता है इसलिए अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाले, इसको रख देती हूँ और इसको 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देती हूँ, मिलता है। तो फाइनली 5 मिनट अभी हुआ है, हम इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं पानी फूट गया है और ये होना स्टार्ट हो गया है, हो चुका है लगभग थोड़ी से 2-3 मिनट तक। और इसको मैं देती हूँ दोस्तों, उसके बाद चाकू सॉफ करती हूँ, आप लोग बताती हूँ कि क्या टेस्ट करता है। बनी रही थोड़ा सा और मैं इसे भून लेती हूँ, इसे तो कलर इसका एकदम चेंज हो गया दोस्तों, देख सकते हो। फाइनली दोस्तों मेरा चुका है, देख सकते हैं इसे पकड़ लिया है, कोई देर सूख जाएगा लेकिन बताइए फूल से हो चुका है दोस्तों। मेरी तैयार है चाय और मकई, तो चलिए मिलते हैं। फाइनली तो देख सकते हैं ये आ गए खाने वाले, बताइए कैसा है? मस्ता मस्ता। हाँ दोस्तों वैसे तो ये बहुत मस्त लगता है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये यही तक था नई रेसिपी के साथ। चलिए।